तो सनम, हम वापस उसी जगह पर आ गए हैं। हाँ, आए तो हैं। हाँ, तुमने बात की और फिर रिलैक्स हो गई। हाँ, तुमने मुझसे कहा तुम मुझे नहीं चाहिए, और ये कहने के बाद तुम रिलैक्स हो गई, हैप्पी हो गई। हाँ, मैंने कहा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हर कोई बस आपके पीछे भागता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर कोई आपको पसंद करता है? मैं नहीं करती, तो आप इस बात से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? लगता है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझे पसंद करे। सच में मैं ये चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे? अच्छा, हर कोई, मैं चाहता हूँ हर कोई मुझे पसंद करे। हाँ, तो फिर कहाँ है वो हर कोई? मुझे तो कोई नहीं दिखता। मुझे दिखाओ, कोई एक इंसान दिखाओ जो मुझे प्यार करता हो या मुझे पसंद करता हो। दिखाओ ना, कहाँ है वो? ठीक है, ठीक है, अब इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मैं आपको लाइक नहीं करती। नहीं, मैं तो ये समझ गया था, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया था सच में। लेकिन फिर तुम्हें आखिर पोलन से इतनी जेलसी क्यों होती है? पोलन, मैं? हाँ बिल्कुल, मैं पोलन से जलती हूँ। हाँ जलती हो तुम। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं उससे नहीं जलती। जलती नहीं? हाँ, नहीं जलती मैं उससे। तुम पोलन से जलती नहीं? उल्टा मैं तो चाहती हूँ कि आप दोनों फिर से एक साथ आ जाए, जो कि आप हो गए हो। अरे हम साथ में नहीं है सनम, कितनी बार बताऊँ तुम्हें कि हम साथ में नहीं है और एक साथ नहीं हो सकते। पोलन बहुत ही खूबसूरत है और परफेक्ट भी है, अगर आप दोनों एक साथ आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम सच में ना एक अजीबो गरीब लड़की हो, अपनी जिंदगी में मैंने तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। तुम स्ट्रेंज हो, कितना कंफ्यूज करती हो यार। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही हो। और क्या तुम लेवन के साथ भी ऐसे ही ट्रीट करती हो जैसा अभी कर रही हो? बताओ मुझे, उसे भी ऐसे ही कंफ्यूज करती हो? हाँ, कभी ये करना है कभी वो करना है, तुम ये भी करती हो तुम वो भी करती हो, बहुत कंफ्यूजिंग हो तुम मेरे लिए, मेरे समझ से परे हो। आप लेवन को लेके इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? हाँ मैं बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ, और ये मेरी हॉबी ऑब्सेशन। क्या हुआ था उस रात को, मैं ऑब्सेस्ड हूँ ये जानने के लिए। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वो लेवन एल्बेट्रॉस नहीं है, मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। हाँ बिल्कुल है, इस बात से मैं श्योर हूँ, और अब मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ तो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, बल्कि अभी चली जाओ, बल्कि यहाँ से उड़ के चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। जहाँ मन करे तुम वहाँ चली जाओ। ठीक है, तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी। पोलन को इंतजार मत करवाना, मैं बोर हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। नहीं रुको, अब तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम मेरी कभी भी कोई बात मानती क्यों नहीं हो? किसी एक दिन तो थोड़ा सेंसिबल बिहेव करो। होप करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें नॉर्मल देख पाऊँ, लेकिन पता नहीं कब देख पाऊंगा। मैं नहीं चाहता यार कि तुम बार बार अपना दिमाग खराब करो। खैर मुझे नहीं लगता तुम नॉर्मल बिहेव भी करने वाली हो, मैं जा रहा हूँ यार। ठीक है, तुम बस बोलते ही रहो, तुम्हारे बोलने का कोई अंत नहीं है, मैं इस रास्ते जा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। हाँ हाँ, थैंक यू। तुम कितना भाव खा रहे हो, मैं तुम्हें कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एप्पल। मैं घंटों से बात कर रहा हूँ तुमसे, मैं कब से तुम्हें अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पूरी जिंदगी तुम्हारे पेड़ के नीचे गिरने का इंतजार करते रहेंगे क्या? मेरी बात समझो, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बहुत कुछ काम करना है मुझे। सनम से मिलना है, सनम को पटाना है, शादी करनी है, बच्चों के नाम रखने हैं। उफ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा कितने काम है मेरे पास, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम प्लीज गिर जाओ यार, मुझे बहुत काम है लाइफ में, मुझे कुछ बनना है, मुझे करना है यार। मुजफ्फर तुम कितना बोलते हो, प्लीज।